बजे 10 शहर में आपके साथ मैं हुरीना गौरव। 10 बजे 10 शहर में दिन भर की सबसे असरदार खबरें, वो भी निष्पक्ष अंदाज में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी से। सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है, जिसमें बेसिक सैलरी में कुल 14.27% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। वेतन आयोग की सिफारिशों से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ए के माथुर ने अपनी रिपोर्ट आज वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी। रिपोर्ट में 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 14.27% बढ़ाने की सिफारिश की गई है। वहीं 52 लाख पेंशनधारियों की पेंशन 24% बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मिनिमम पे विच वी हैव फिक्स्ड अप्लाइंग द एक्रॉइड फार्मूला विच हैज बीन सजेस्टेड बाय द जीसीएम विच वी हैव एक्सेप्टेड इट एंड द बेसिक पे विल स्टार्ट एट 18,000। We have abolished the great pay and pay band also. So, and that the total increase in the basic pay will be 14.27. वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि सरकार के इन सिफारिशों को लागू करने से केंद्र सरकार पर 1,02,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 74,000 crores is the impact on the union budget and 28,000 crores is the impact on the railway budget. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होनी है। वेतन आयोग ने वन रैंक वन पेंशन सेना के साथ साथ सिविलियंस और अर्धसैनिक बलों के लिए भी लागू करने की सिफारिश की है। चलिए बढ़ते हैं आगे, पंजाब की खबर का रुख करते हैं। पंजाब के बदले हालातों के मद्देनजर सत्ता पक्ष ने जनता के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में लिए गए फैसलों में इसकी झलक देखी जा सकती है। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की मीटिंग में युवाओं, बुजुर्गों और व्यापारियों का खास ख्याल रखा गया। नई भर्तियों से लेकर बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने और बेअदबी के मामलों में उम्र कैद की सजा के प्रावधान सहित कई अहम फैसले लिए गए। युवाओं के लिए 1 लाख से ज्यादा नौकरियों को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत करीब 40 विभागों में भर्तियां की जाएंगी। बुढ़ापा पेंशन को 250 रुपए से दुगना कर 500 रुपए और नंबरदारों का भत्ता 1,500 रुपए किया गया है। गन्ना इंडस्ट्री को प्रदेश सरकार 50 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट, खाद और सरसों पर वैट कम किया गया है। असी फैसला लेता है पंजाब के नौजवानों वास्ते, तकरीबन असी 1,14,000 नवीं नौकरियां आज क्लियर कर दी हैं। जिहड़ी बुजुर्गों की पेंशन है वो 250 तो वधा के 500 रुपये की गई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बढ़ती बेअदबी के मामलों पर नकेल कसने के लिए भी यहां कदम उठाए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामलों में उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तीर्थ यात्रा स्कीम के अधीन पंजाब का कोई भी व्यक्ति धार्मिक यात्रा मुफ्त में कर सकेगा। साथ ही पंजाब प्रदेश के लिए मोर्चा लगाने वालों के लिए बस यात्रा मुफ्त रखी गई है। इसके साथ ही 1,000 रुपए प्रति महीना पेंशन भी दी जाएगी। सब तो बड़ा फैसला है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की जो कोई बेअदबी करूंगा उन्हें आज की तारीख 3 साल जेल सी, असी उन्हें लाइफ सेंटेंस कर देता है। नवी योजना असी लॉन्च कर रहे हैं जिसे नाम है चीफ मिनिस्टर तीर्थ यात्रा स्कीम। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम जिदे राही हर असेंबली हल्के तो पंजाब सरकार ट्रेनस दे विच ऑल एक्सपेंसिस पेड तीर्थ यात्रा टू रिलीजियस प्लेसिस लाइक हजूर साहब, वाराणसी, अजमेर शरीफ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने 2017 का चैलेंज कबूल करते हुए जिस तरह से पहले विपक्षी पार्टियों को ललकारा था, उसके बाद अब बारी आम जनता को खुश करने की है, जिसके लिए हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।
कोर्ट का पूरा गोलीकांड की जांच को लेकर खड़े हो रहे सवालों के मुद्दे को लेकर दिल्ली में भी हलचल देखने को मिली। पंजाब कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति से मुलाकात की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस का एक वफद राष्ट्रपति से मिला और कोर्ट कपूरा गोलीकांड में मारे गए दो युवकों के मामले में इंसाफ की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि इंसाफ की ये मांग महज दो परिवारों के लिए नहीं बल्कि पूरे पंजाब के लिए है। प्रेसिडेंट से हम मिले, प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छी तरह हमारी बात सुनी। ये दो परिवारों की न्याय की बात नहीं है, ये पूरे पंजाब के लिए न्याय की बात है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ आई है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको पंजाब को न्याय देना है और उनको ये काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। कांग्रेस द्वारा गोलीकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग रखी गई है। साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामले में सरकार द्वारा रखे गए उम्र कैद की सजा के प्रावधान पर भी सवाल खड़े किए गए। What the Honorable Vice President and the leaders have seeked is an inquiry by a sitting judge of the Supreme Court, a judicial inquiry, time bound, so that these people could get justice. That you are already saying that those people who are going to be found in this case of sacrilege will be given life imprisonment. But for the first thing is to find the person and to try him and to see under the trial whether the man is guilty, not like what you did earlier by picking up two innocent people. So the thing is, first trial. Then punishment, not the other way around. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी पंजाब दौरे पर गए थे तो कोर्ट कपूरा गोलीकांड में मारे गए युवकों के परिवार से मुलाकात करने के बाद राष्ट्रपति के पास इंसाफ की मांग रखने की बात कही थी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। डायरेक्ट विद दिनेश में कांग्रेस को खरी खोटी सुनाने वाले पंजाब के डिप्टी सीएम के खिलाफ पंजाब कांग्रेस ने हमलावर रुख अपना लिया है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद और प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सुखबीर के आरोपों का करारा जवाब दिया। डायरेक्ट विद दिनेश में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक से खास बातचीत में सुखबीर बादल दिल खोलकर कांग्रेस पर बरसे। उन्होंने सरबत खालसा से लेकर कांग्रेस की गुटबाजी पर अपनी राय रखी, जिस पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद ने प्रतिक्रिया दी। शकील की माने तो 2017 में पंजाब की जनता बादल सरकार को सत्ता से बाहर फेंक देगी। उनको पता चलेगा 2017 में कि कितने कांग्रेसी हैं पंजाब में, जब वो फेंके जाएंगे सत्ता से बाहर, तब उनको पता चलेगा। सुखबीर बादल कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखने वाले पंजाब के डेप्यूटी सीएम पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी पलटवार किया। बाजवा के मुताबिक सुखबीर को कांग्रेस की चिंता क्यों सता रही है। इन्हां नूं साडा फिकर क्यों है इन्हां जी, असीं इकट्ठे ही हां। इन्नी मैं गल पंजाब दे लोकां नूं वादा करना चाहना, कांग्रेस एक होके लड़ाई लड़ेगी ते इत्थे जिहड़ा इह गद्दाफी दा राज है पंजाब च, इह खत्म करेगी। पंजाब में धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मामले सामने आने पर सरकार कुछ हद तक बचाव की मुद्रा में नजर आई थी, लेकिन डायरेक्ट विद दिनेश में सुखबीर के सीधे हमले से कांग्रेस तिल मिला गई है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। उधर पंजाब कांग्रेस प्रमुख प्रताप सिंह बाजवा ने अकाली दल को उल्टे हाथों लिया तो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस पर पंजाब में विकास विरोधी तक होने के आरोप लगाए। पंजाब कांग्रेस सत्ताधारी पक्ष के उन आरोपों पर हर रोज हमले कर रही है जिसमें सरबत खालसा के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का दावा किया गया था। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा बोले तो निशाने पर सरबत खालसा को लेकर कांग्रेस के लगाए आरोप और एसजीपीसी पर कंट्रोल का मसला रहा। 110% समुचा सिख जगत, सारी दुनिया विच जानदा है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी हर साल इलेक्शन प्रधान दी हुंदी है। हर साल मेंबर्स जेड़े ने इकट्ठे किए जाते हैं ते सारे एक लफाफे दी इंतजार च हुंदे ने कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी दा वो लफाफा कदों पहुंचेगा जिहदे विच प्रधान दा नां होएगा। अजे तक एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नूं कदी मौका ही नहीं दिता कि वो अपना प्रधान आप चुन सकन। पंजाब के हालात पर कांग्रेस के जोरदार हमले के बाद बचाव में अकाली नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल सामने आए और प्रदेश के हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया।
developments which have taken place in Punjab is very unfortunate and totally being supported by the Congress party who is going to Pakistan and making certain statements, encouraging all that in Punjab. So they are out to disrupt the progress of the country. You will see it in Parliament also. We saw it in the last session. All bills which would lead to the progress and development of this country was stalled by the Congress. This is what they did in the last session. This is what they're going to do in the next session. And this is exactly what they are doing in Punjab as well, now demanding a separate state and going into things of creating upheaval in Punjab. Punjab mein ghatit ghatnakram ke baad, rajnitik vaar palatwaar ki siyasat haavi hoti ja rahi hai. Lekin is waqt zarurat aman shanti ka mahol banane ki hai, na ke ek dusre par aarop lagane ki. पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री खट्टर ने गोपाष्टमी पर्व पर गौ पूजा भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 66 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 18 करोड़ की लागत से तैयार शहर की नई सब्जी मंडी भी शामिल है। करनाल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने गो अष्टमी के मौके पर आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार द्वारा पारित गो संरक्षण गो संवर्धन विधेयक लागू हो गया है, जिसमें गो हत्या और तस्करी करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। सबसे पहला हमारी सरकार का जो बनने वाला कानून था वो गो रक्षा गो संवर्धन गो संरक्षण का बिल था, उसको राष्ट्रपति जी ने अपनी मोहर लगा दी है और आज से वो एक कानून के रूप में लागू हो गया है। आज हमने उसका विमोचन किया है और आज के बाद गो रक्षा का जो सुनिश्चित प्रबंध वो हरियाणा में हमने कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संवर्धन के लिए प्रयासरत है। उन्होंने लोगों से भी गौ पालन और संवर्धन में सहयोग देने की अपील की है। करनाल से राकेश रोहिला, जी मीडिया। और वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री ने यह ऐलान किया है कि नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से कर्मचारियों और आम लोगों का नुकसान नहीं होगा। कृष्ण पवार ने 1000 ड्राइवरों की भर्ती की बात भी कही, लेकिन रोडवेज कर्मी इस पॉलिसी से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की तारीफ की है। पवार ने कहा है कि नई पॉलिसी से रोडवेज कर्मियों और आम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस पॉलिसी के तहत प्राइवेट बसों को 10 साल के लिए लीज पर लिया जा रहा है, जिसमें ड्राइवर बस मालिक का होगा जबकि कंडक्टर सरकार का होगा। बसों पर कलर भी सरकारी बसों जैसा होगा। किलोमीटर के हिसाब से एक स्कीम लेकर आए हैं। इस स्कीम के तहत बस मालिक की होगी, ड्राइवर मालिक का होगा और कंडक्टर हरियाणा रोडवेज का होगा और परमिट भी हरियाणा रोडवेज का होगा। कृष्ण पवार ने 1000 ड्राइवरों की भर्ती की भी बात कही है, जबकि रोडवेज कर्मी नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लागू नहीं करने दिया जाएगा। जो बसें खड़ी हैं उन पर रूट पर चलाया जाए और उसके लिए हमने 1000 ड्राइवर भर्ती करने का फैसला किया है। रोडवेज कर्मियों की चेतावनी से साफ है कि नई पॉलिसी को लागू करने में सरकार को मशक्कत करनी होगी। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, ये चाहत हर हिंदू की है, लेकिन इसके लिए समाज की सहमति जरूरी है। कभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की बात करने वाले बीजेपी धीरे धीरे मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल रही है। ऐसे संकेत रोहतक में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के बयान से मिले हैं। धनखड़ ने कहा है कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का सपना हर हिंदू का है। उनकी भी चाहत है कि राम मंदिर बने, लेकिन अगले ही पल मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला भी देते दिखाई दिए। हम चाहते हैं कि भारत में अगर राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, इसलिए इस पर समाज की सहमति विवाद नहीं हो, एक तरीका ये है, और समाज सहमति बनाकर बनाए, ये तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बनेगा और उसके लिए प्रतीक्षारत हैं, लेकिन राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने ये हम सबकी आकांक्षा है। धनखड़ राम मंदिर मुद्दे पर सामाजिक सहमति की बात कर रहे हैं।
शायद सामाजिक सहमति से ही मामले का हल भी निकल सकता है। हालांकि बीजेपी नेता के ताजा बयान से साफ है कि पार्टी राम मंदिर के मसले को कहीं न कहीं पीछे छोड़कर आगे निकल रही है। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। हरियाणा सरकार में लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर ने गीता को लेकर विवादित बयान दिया है। कुरुक्षेत्र में एक सेमिनार में पहुंचे राव नरबीर ने कहा कि भागवत गीता की बातें उनके सिर से निकल जाती हैं। हरियाणा बीजेपी के नेता गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा देने की मांग करते दिखाई देते हैं, तो कभी प्रदेश के स्कूलों में गीता पढ़ाने की बात करते हैं। इसके उलट उनके अपने ही मंत्री अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मौका था गीता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कह दिया कि गीता उनके सिर के ऊपर से निकलती है। उन्होंने खुद को सेमिनार में बुलाए जाने को भी बदकिस्मती करार दिया। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने, हरदीप कुमार जी ने मुझे निमंत्रण दिया इस गीता की संगोष्ठी पर, कला अकादमी पर, जो मेरे सिर के ऊपर से निकल के जाती है। तुम्हें क्या? राव नरबीर यही नहीं रुके, उन्होंने कुरुक्षेत्र बुलाए जाने पर भी आपत्ति दर्ज की। उनके मुताबिक यहाँ करोड़ों यादवों का नाश हुआ था, जबकि वो भूल गए कि यही धरती धर्म क्षेत्र कहलाती है। कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिला, जी मीडिया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला के ऐतिहासिक गांव पंजुखरा को गोद लेने का ऐलान किया है। विज पहले ही गांव को कई करोड़ रुपए की ग्रांट भी दे चुके हैं। अंबाला के ऐतिहासिक गांव पंजुखरा साहिब के अच्छे दिन आ गए हैं। सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गांव को गोद ले लिया है। विज ने गांव के विकास का खाका बनाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। पंजोखरा साहिब में ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहां देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गांव पंजोखरा के महत्व को मद्देनजर रखते हुए विज ने पहले ही करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है। मैंने विभाग को लिख दिया है कि पंजोखरा साहब को मैं गोद लूंगा और उसमें जो भी काम होंगे वो मैं करवाऊंगा। गांव को गोद लिए जाने की खबर से ग्रामीण भी खासे खुश हैं। लोगों ने इसे एक सराहनीय कदम बताया है। इससे पहले ना तो कई सरकारें आई कहीं गई, लेकिन किसी ने भी इस गांव के बारे में नहीं सोचा, ना ही कोई। इसलिए अनिल विज जी ने ये काम किया, इससे गांव का तो विकास होगा ही होगा, साथ में गुरुद्वारे को के रख रखाव, गुरुद्वारे की संगत को भी सुविधाएं मिलेंगी। विज की पहल के बाद गांव के विकास की राह साफ दिखाई दे रही है। वैसे भी विज अपने काम करने के अंदाज को लेकर जाने जाते हैं। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि पंचायती राज चुनावों को विधानसभा चुनाव के साथ जोड़कर ना देखा जाए। उन्होंने कहा कि दोनों चुनावों में काफी अंतर है, इसलिए इन दोनों चुनावों को एक साथ लेकर चलना कहीं से भी ठीक नहीं है। सीएम ने बीजेपी पर भी जमकर भड़ास निकाली। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव ना ही विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और ना ही क्वार्टर फाइनल, ये कहना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का। शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि इन चुनावों से विधानसभा चुनाव के लिए जनाधार तय करना बीजेपी का एक गलत प्रचार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मानकर खुद के साथ ही धोखा कर रही है। पंचायती राज के चुनाव को अलग चीज है, विधानसभा चुनाव कोई अलग चीज है, और पंचायती राज में भी हम जीतेंगे। कोई सेमीफाइनल नहीं है, एक क्वार्टर फाइनल भी नहीं है। सीएम ने बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि बीजेपी नेता असल मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति का स्तर भी नीचे गिर रहा है। क्या आज हिमाचल प्रदेश की भाजपा इतनी नेतृत्व से विहीन हो गई है कि छोटी छोटी बातें को नहीं समझ पाते? हिमाचल प्रदेश में दोनों प्रमुख पार्टियों में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि सीएम के इस बयान पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। और चलिए इसी के साथ 10 बजे 10 शहर में फिलहाल इतना ही।